सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम माइनक्राफ्ट वापस से खेल रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने किया क्या था, वन स्टैक ऑफ एमरल्ड्स लिया था, और ये देखो वन स्टैक और 8 एमरल्ड्स और पूरा डायमंड का आर्मर बनाया था। तो आज के एपिसोड में हम करने के वाले, पिछले एपिसोड में हमने किस किस लोगों के साथ ट्रेड किया था आपको पता ही होगा, हमने ट्रेड किया था ये विलेजर्स के साथ। तो आज हम ट्रेड करने वाले हैं वो है पिगलिंस के साथ ट्रेड करने वाले जो रहते हैं नेदर में। तो भाई नेदर में जाने से मुझे बहुत डर लगता है, पर मैं जाने वाला हूँ नेदर में। तो गाइस मेरे पिकेक्स भी टूटने वाले हैं, तो मैं इसको अभी रिपेयर कर देता हूँ, इसको थोड़ी सी रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि भाई इस पे हमें आज लगानी एफिशिएंसी 2। तो एफिशिएंसी 2 के लिए हमें इसको जरा काम कराना पड़ेगा, और नेदर में इसका ये भी करना है, मतलब काम ज्यादा कराना है इसका। तो 2 से मैं इसका हेल्थ ऑलमोस्ट फुल कर देता हूँ, और ट्राइडेंट तो ही अपना, तो हमें चाहिए और एक एफिशिएंसी 1। तो यहाँ पे मिल चुका है एफिशिएंसी 1, तो अब हम दोनों को कंबाइन करने वाले, इसको बनाएंगे एफिशिएंसी 2। ओके, तो इसके लिए और लेवल चाहिए, वही लेवल हो चुके 19। ओके, तो गाइस अब हमें खाने का इंतजाम करना है, क्योंकि नेदर में अगर भटक गए तो भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो भाई मैं यहाँ से सिंपल ही करने के वाला हूँ, भाई जो भी हो ले लो भाई, मतलब बेक पोटैटो है या पर एक स्टैक कैरेट करूँगा मैं, क्योंकि भाई बहुत वक्त लग सकता है वहाँ से आने में, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग करने वाले पिगलिंस के साथ, और पिगलिंस मुझको पता नहीं कि कहाँ रहते, अगर मेरे घर के पास ही हुए तो ठीक है। तो 19 लेवल्स हो चुके हैं, तो अब हमें इसको रिपेयर करना है, बहुत सारी चीज़ों को पिकैक्स हो चुके हैं रिपेयर करना है, अपने पिकैक्स को ये करना है एफिशिएंसी 1, तो एफिशिएंसी 2 लग चुकी है, और ये 5 कॉस्ट में हो जाएगी। और ये स्माइट 1 की जो ये तलवार है, इसको मैं और अपग्रेड करना चाहता हूँ, दूंगा भाई, और इतना बस है अपने लिए। और गाइस वहाँ पर हमें अच्छी खासे आर्मर चाहिए होंगे, क्योंकि ये देखो भाई टूटने को आए, और मैं नहीं चाहता कि मैं आर्मर अपने आयरन की खराब करवा दूँ, आई मीन अपने डायमंड की आर्मर खराब कर दूँ, इसलिए हम इसी को पेन किए जाएंगे। तो इसी को पेन किए जाने के लिए भाई बहुत दिक्कत होंगी, तो मैं फेदर फॉलिंग वाले को निकाल के इसे, मतलब और चेस्ट को भी निकाल दूंगा। तो हमें चाहिए यहाँ से ब्लास्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि क्रीपर फटता है बार बार, और क्रीपर फटने के बाद हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। पर ये लग क्यों नहीं रहा यार, ये एंचेंट हो नहीं रहा है अभी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा एंचेंट, नया अपडेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या। चलो ये हो रहा है पूरा का पूरा, ये भी हो रहा है पूरा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब हमारे पास है अच्छा खासा ये आर्मर, और आर्मर अच्छा खासा है, तो अब हम इसे आयरन को रख सकते हैं। मैं नीचे रखूंगा आयरन को, क्योंकि मुझको बीच बीच में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो ऊपर रखूंगा। और मैं इधर में ले जाने वाला हूँ अपनी सबसे खतरनाक स्वॉर्ड, कह सकते ये वाली, पर मुझको स्वॉर्ड की तो जरूरत लगने भी नहीं वाली, इसलिए रहने दो। तो हमने बहुत सारे ये कर लिया है, तो अपने डायमंड का जो आर्मर है उसको भाई सेफली यहाँ पर मैं रख देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ गलती से कुछ हो गया और नेदर में और ये मैं भूल गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हो गया, तो अब हम रेडी है नेदर को रवाना होने के लिए। ये आ चुके हैं नेदर पोर्टल में, और ये घूम रहा है घूम, तो मैं आ चुका हूँ, आई एम बैक। अब मारो मुझको, कौन था बे, कौन था, अब मार के बताओ कहाँ गए बे। ये देखो मैं तुम्हारा बंधु हूँ, क्या तुम मुझसे गोल्ड लोगे ए बंधु। अरे भाग क्यों रहे हो, ये लो, अरे पिकेक्स ड्रॉप कर दी भाई, ये उठा ले तो प्रॉब्लम आ जाती। ए कहाँ भाग रहे हो, ये खाओ ये खाओ, मत भागो मत, गोल्ड लो गोल्ड, यस यस, सस्ता ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्या देगा क्या देगा, क्या दिया इसने, लेदर, लेदर का कुछ जरूरत नहीं भाई, कुछ अच्छा दे, कहाँ भाग गया, ये ले, ओए
कुछ अच्छी चीज दे मुझको, देना अच्छी चीज लेके बैठा है सिर्फ। कैरेट नहीं, ग्लोस्टोन का क्या करूंगा भाई यार, मुझको क्या समझ रखा है यार तुम लोगों ने, ग्लोस्टोन का मैं क्या करूंगा, पागल हूं मैं, पागल हूं लगता हूं मैं, शायद लगता हूं मैंने। ये लो भाई कुछ तो दो अच्छी चीज। क्या दोगे, सिर्फ देख क्यों रहे ये? ओ ओ सोल सैंड, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड, ये रुको रुक, ये ले। ओ उसके हाथ में दे, थमा सकते हैं हमें से ठीक करके। ओ भाई ये मैग्मा ब्रॉक, तू रुक, तेरे को किडनैप करूंगा मैं, वही मैग्मा क्रीम दिसने, ये ले भाई भाग क्या रहा है तू, ये तो सहारा है मेरा। नेदर से माइनिंग, मतलब अगर आपको नेदर में ये घूमना घूमना नहीं होगा ना, इसके पास आप, ये आपको बहुत अच्छी चीज देगा। ए चल, अरे मेरे डील्स को इग्नोर क्यों कर रहा है यार, मैं तेरे को जो चाहिए वो दे रहा हूं। ओके उठा लिया इसने, क्या देगा क्या देगा क्या देगा क्या देगा क्या देगा क्या देगा, क्या दिया? अरे भाई ये लेदर क्यों दे रहे फालतू में, कहां भाग रहे हो? ओ भाई लेदर क्यों दे रहे हो मुझको, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा? लेदर ये लो, ये ले, क्या देगा मुझको? अच्छा दियो, ये देखो कैसे डुब करता रहा, देखता है डुब कर किधर। अरे लेदर ही लेदर दे रहा है भाई, लेदर की अब जरूरत नहीं, बहुत सारा लेदर है, ने पाल के रखे। ओ भाई क्या फेंका तूने, अबे लेके गया क्या ये, नीचे क्या है भाई? ओ भाई साहब मैग्मा ब्लॉक, सस्ता तू, सस्ता ट्रेडर है, ये ले तू खा, तू दे कुछ तो मुझको, कुछ अच्छी चीज देना। ओ क्या मिला, नेदर ब्रिक, नेदर ब्रिक बहुत मुझको, मतलब नेदर ब्रिक क्या हो, उससे क्या होगा? ओ आगे नेदर फोर्ट्रेस है, यहाँ से अपने को बहुत सारी चीजें मिल सकती है। नेदर फोर्ट्रेस, ओपी नेदर फोर्ट्रेस भाई, मुझको सोल सैंड की भी जरूरत है, और यहाँ पे नेदर में डार्क दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ क्योंकि इससे मिलता है अपने को सस्ता लेवल। देख रहे हो एफिशिएंसी की ताकत, तो भाई इसे कॉर्ड के ब्लॉक भी बनते हैं और ज्यादा लेवल भी मिलती है। भाई ऊपर चलो, मेरा पोर्टल का है, मैं पोर्टल का रास्ता भूल तो नहीं गया ना? ओ गास्ट ये मारता नहीं है क्या, ओ भाई मारता नहीं है क्या, वैसे मेरे घर का जरा कहां से था, यहां से, ओ वो रहा मेरा पोर्टल, गास्ट कहां गया? ए तू रो मत, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ओ नहीं नहीं भाई, अभी मैं गलती से भाई पिगलिंस पे मार देता, ये सब मेरे पीछे लग जाते भाई। अब लावा ही लावा है फोर्ट्रेस में। गाइस अगर आप इस वीडियो पे करा दोगे अपने 50 लाइक तो हम जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस में। ओ ये देखो गास्ट, ओ गास्ट ये ले, मर गया। नेदर में आकर फाइनिंग करोगे तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है, क्या देगा तू मुझको, क्या देगा? ओ कुछ तो दिया, एंडरपोल पहले दिया था पर अभी कुछ तो दिया, अभी क्या दिया, ये लाइट ग्रेवल, ये ग्रेवल दिया, इससे क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा भाई कुछ तो ढंग की चीज दिया करो, ढंग की चीज दो यार प्लीज, ढंग की चीज दो, हाँ ढंग की चीज दो, ढंग की चीज क्या दोगे, मैं खाना खाऊंगा। ओ ओ क्राइंग ऑब्सिडियन, ओ भाई क्राइंग ऑब्सिडियन, ओ भाई हु इज द कटिंग ऑनियंस, ये ले। अबे अच्छा तू ये नहीं खाता, तुझको ये चाहिए, तुझको ये बनना है अमीर आदमी है, गोल्ड से सारे डील्स करता है, कितना वक्त लगाता है वे। अरे भाई वक्त नहीं, भाई मैं नेदर में आया कंजूसी की चला गया भाई, चोरी करो चीजें, कितनी चीजें ये यहाँ पे आपको मिल रही है, उठा लो भाई मुझको तो फर्क नहीं पड़ता। चलो 64 आ चुके और सोल सैंड भी अब अपने पास बहुत ज्यादा है, तो जल्दी से मैं काम करता हूँ उसको यहाँ पे लेता हूँ और लेट्स गो टू आवर होम। उससे पहले मैं ट्रेडिंग करूंगा बहुत, मुझको वो ब्लू वाला डर्ट चाहिए, जो नेदर वाला होता है ना वो ब्लू कलर का, वो वाला डर्ट चाहिए आपको, थोड़ा ऊपर यस, थोड़ा और ऊपर, ये ज्यादा ही ऊपर भाई, मेरे पिकैक्स टूट जाएगी इसके चक्कर में, तो ऐसा ये हो गया, तो यहाँ से बच के जाना है क्योंकि
ये नेदर है, नेदर से बच के जाते हैं, बच के जाना चाहिए भाई। ये नेदर नाम की चीज बहुत ही बुरी होती है, पैर फिसला तो सीधा नीचे। अब तो नेदर की चीजों में हम सब कुछ रख देते, तो मैं सोल सैंड को अभी लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो नेदर में हमें ये सारी चीजें मिल चुकी है, क्राइंग ऑब्सिडियन, एंडर पर्ल, मैग्मा ब्लॉक, ये भी मिल चुका है, और क्या मिला, और इतने चीजें मिले। तो अब हमें चाहिए फ्लिंट एंड स्टील। फ्लिंट एंड स्टील मेरे पास है, पर वो कहाँ पे मैं भूल गया, अब यहाँ पर होगा। तो बाद में मैं इसके रूम भी बनाऊंगा, जिसका नाम होगा शाउट आउट रूम, शाउट आउट रूम। और गाइस आपने पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ, मतलब लगा के ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर लगाऊंगा ये अपने चैनल का नाम। अरे भाई ये एक ज्यादा हो गया, शॉर्ट आउट नहीं नहीं मैं रुकूंगा, क्या करूं। तो गाइस मैं ऐसे नाम लिख दूंगा, और ये चैनल का नाम मैंने अपने लिख दिया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। यू कैन सी गाइस, ये तोड़ो यार, ऐसे कैसे बन गया इसमें, यस। तो यू कैन सी ऐसे मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट दूंगा। तो जब मैं ऐसे के लिए ऐसे जूंगा गुजरूंगा, तो मैं ऐसे ऐसे दिखा दिया करूंगा। तो गाइज अगर आपने मेरा और एक घर नहीं देखा, जो घर मैंने मतलब वो क्या कहते मैंने नहीं बनाया, वो घर बनाने में मुझको किसी ने हेल्प किए, मैं उसका नाम फिलहाल अभी नहीं ले सकता क्योंकि सम रीजंस। तो वो घर ऊपर है, वो स्नो का जो भी है ना वहाँ पर, यू कैन सी वो घर बहुत है, क्योंकि मैं बोलूँ ना ये है वो घर, तो वो घर, तो वो घर बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार है ये घर। तो लेट्स गो इनसाइड, टटटटा बहुत मस्त है। यहाँ पर टीवी है, यू कैन सी ए भेड़ कहाँ से आई। तो यहाँ पे सोफा सेट है, यहाँ पर ये यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, ग्लो स्टोन लगाया है, यहाँ पर टीवी के स्पीकर्स, तो यहाँ पर ग्राइंड स्टोन, ये उसने नहीं लगाई, मैंने लगाए। तो ये देख सकते हो डिजाइनिंग कितनी मस्त की है। तो ये गोल्ड प्लेट्स, डाटा, और यहाँ पे आते ही आपको पहले ग्राइंड स्टोन दिखेगा, फिर दिखेगा आपको टॉयलेट, संडास, बाथरूम, ओके। तो यहाँ से अंदर जाते ही हमें मिलता है एक बाथटब, जहाँ पे बंदा ये ना ये नहाएगा। अरे भाई ये ऐसे नहाएगा, ऐसे देख रहे हो, ओ भाई नहा रहे देखो मत। तो ये होगा इसका पानी का बाथटब का नल। तो एफपीपी में स्विच कर रहा हूँ मैं, इस नल को बंद कर दो, आई मीन ये बंद है, चालू किया। तो यहाँ पर आता है संडास, यहाँ से हाथ धो सकते हैं, भाई शीशा नहीं है यहाँ पर। सैनिटाइजर कहाँ गया, ओ भाई दूर रहो, सैनिटाइजर चाहिए भाई, सैनिटाइजर नहीं। तो यहाँ पर ऐसे मैं पीछे आऊंगा, ऐसे बैठूंगा, संडास कर रहा हूँ, देखो मत, देख रहे हो, देखो कैसे संडास करता है ये। तो संडास होने पे फ्लश किया, और फिर यहाँ पे आए हाथ धो लिया, और फिर क्या, अरे भाई ये क्या बात हुई, हाँ ऐसे। और फिर यहाँ पे आते हैं अपने चेस्ट, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें रखी, तो यहाँ पर पेंटिंग वगैरह है, और यहाँ पर है लोग जो यहाँ पर सोते। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा आपके लिए घर बनवाना है, तो आई मीन अगर आपके पास कोई अच्छा डिजाइन है घर का तो बता दो, मैं घर बना दूंगा। वैसे अपने पास कुछ और करने के लिए नहीं है टाइम, मतलब। तो गाइस इनको शॉर्ट आउट है, ये जो लोग है मतलब ये इनका बेड है, तो यहाँ पर अपना भी बेड है गाइस, ये कब्जे में, ये अपना बहुत लार्ज साइज का बेड है। यहाँ पर एक तकिए, इसमें से मस्त सोऊंगा, मस्त से सोएंगे। यहाँ पर टीवी, नहीं नहीं भाई बहुत बुरा लग रहा है, बट पूरा ये जो है ना ये कोई बात नहीं, पर घर बहुत मस्त है। और टटटटा, तो ऊपर जाने के लिए हमने बनाई थी स्टेयर्स, तो स्टेयर्स कुछ ऐसी हैं, और टटटा ऊपर जाने के लिए। तो ये घर में वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। और ये खुला इसलिए मुर्गिया, भाई तुम्हारा ये घर नहीं है, भागो यहाँ से। तो फिर ये देखो, नहीं देख रहे हो, पोस्ट 9 पूरा का पूरा एक्सपी गया। तो डिम कर लेता हूँ, जल्दी से सो लेंगे हम अब। और गाइस अगले एपिसोड में हम एक स्पेशल चीज बनाने वाले, याद रहे। तो और गाइस आपने पिछले वीडियो पे मैंने कहा था रोड टू 10 सब्सक्राइबर्स, रोड टू 110 सब्सक्राइबर्स, पर आपने 113 सब्सक्राइबर्स कर दिए, इसलिए थैंक यू। वीडियो को कब मैं अपलोड करूंगा मुझको पता नहीं, और इस वीडियो का लाइक एम है 10 लाइक्स, ओके बहुत बड़ा है आई नो, पर आप कंप्लीट करा दोगे, और मुझको पता है गाइस कि आप सब्सक्राइब करने वाले हो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पे मैं टारगेट रख रहा हूँ, वीडियो पे आप कर दोगे सब्सक्राइबर्स
सब्सक्राइबर्स होगा, पर आपको इस वीडियो पे हमारे करा देने हैं 120 सब्सक्राइबर्स। तो एक मिनट में करने क्या वाला था, तो इसको रिपेयर। होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। अभी तक मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई मुझको पता है आप लाइक कर दोगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ एक बात, और एक मिनट में ये बात हर वीडियो में कहता हूँ, आपको बोर नहीं लगती? मुझको तो बहुत ज़्यादा बोर लगती है, क्योंकि मैं बोर गिरी करता रहता हूँ। तो वो बोर बात ये है कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो आपको करना क्या है, आपको हैंड वॉश इस्तेमाल करना है बार बार बाहर से आने के बाद, आपको अवॉइड टचिंग नोज एंड यू अवॉइड, आपको अवॉइड करना है टचिंग, आपको अवॉइड करना है टचिंग नोज और आईज बाहर में आने के बाद, और आपको बाहर जाने से पहले मास्क पहनना है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना जो भी अननोन होगा बाहर, और भाई बाजी पानी लेने से हुए बाजी लेते समय खुद का ध्यान रखो, किसी को मतलब आप किसी का ऐसे मतलब टच भी मत करना, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर में ये होता है मतलब। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।